एक्चुअली मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आरती दीदी आ नहीं पाई, क्योंकि हम जा रहे हैं आरती करने के लिए गणपति जी की। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ गणपति विसर्जन की, क्योंकि हम यहाँ आए थे बुआ के घर, मतलब दीदी है हमारी बुआ की बेटी, उनके घर आए थे हम विसर्जन के लिए। वो हर साल विसर्जन करते हैं तो हमें भी बुलाते हैं, तो हम इस बार भी आए थे, तो यहाँ पे हम विसर्जन करने आए। एक्चुअली मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आरती दीदी आ नहीं पाई, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि उसकी केयर चल रही है, सो दैट वो आ नहीं पाई इस वजह से ना। तो मैंने सोचा कि मैं ही वीडियो बना देती हूँ और देन आई विल सेंड हर, और उससे ये होगा कि आप तक भी पहुँच जाएगी वीडियो गणपति विसर्जन की, और आप भी अच्छे से देखेंगे वीडियो को। एक्चुअली हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं, और कोई नहीं, कुछ दिनों की और बात है, देन हम उससे मिलेंगे। जब तक हमने सोचा कि हम ही बिना बना के उसको सेंड कर देंगे वीडियो, तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों तक भी गणपति विसर्जन कैसे हमने मनाया, सेलिब्रेट किया, और ये हमारी एक मेमोरी हो जाएगी, हम उसको याद करेंगे हमेशा, तो ये इसके लिए भी परफेक्ट होगा। तो हम इसलिए मैं इस वीडियो बना रही हूँ। ये आया, अभी हम तैयार भी नहीं हुए, देखो मैं ऐसे कुछ भी वेयर कर रखा है। अभी हम खाना बनाएंगे और उसके बाद हम तैयार होंगे, रेडी होंगे, देन हम उसके बाद गणपति विसर्जन करेंगे। एक्चुअली में अभी पापा भी आ रहे हैं, पापा भी आए नहीं थे हमारे साथ। हेलो कर दो, हेलो गाइस। ये छोटा वाला बेटा है दीदी का, तो पापा अभी आ रहे हैं, पापा भी आए नहीं थे, तो हम पापा का वेट कर रहे हैं, और दीदी आएगी, भाई आएगा, बहुत लोग आएंगे अभी, तो इसलिए हम आरती दीदी को भी काफी मिस कर रहे हैं, बिकॉज वो जैसे आप जानते हैं ना कि उसका सेलर पूछ रखा है, तो इस वजह से वो आ नहीं पाई। और मैं इतने टाइम बाद व्लॉग में आई हूँ, क्योंकि मैं उसके घर भी नहीं जा पा रही थी, बिकॉज उसकी पूजा थी, और इसलिए मैं इतने टाइम बाद आपके पास साथ व्लॉग में आई हूँ। एंड मैं आपको अपडेट करती रहूंगी कि क्या क्या हम कर रहे हैं, ठीक है? आप बने रहिए। आप क्या कर रहे हो? बैठी हूँ। जीजू भी जा रहे हैं घूमने। बुआ, आज क्या करने आए हो आप? गणपति पूजन है। हाँ, विसर्जन करने। बस अब चाय बना रही, चाय पीऊंगी, एक बार पी ली सुबह, नहा गए धो गए, फिर दोबारा चाय बन रही है, कुछ आंचल खाना बना रही है, आलू की सब्जी सब रहा है, सब मिक्स और पूरी बनाएंगे, खीर बनेगी, सब बनेगा। तो पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी भी आ रहे, मामा भी आ रहे, सब लोग आ रहे हैं, ठीक है? आप हाँ जी, जो हाँ जी, हाँ जी, कैसे आप? कहाँ जा रहे हो? बड़ी बाल्टी लेने। क्या बाल्टी? बाल्टी के लिए विसर्जन के लिए। हाँ, विसर्जन के लिए बाल्टी लेने के लिए। क्या कह रहे? देव चिल्ला रहे, चिल्ला रहे, मेरी वीडियो मत बना। देव चिल्ला रहे, जिनकी दाढ़ी ऐसी है और कैसी? चलो जी के दर्शन कराते हैं हम आपको भगवान जी के। ये देखिए, ये है हमारा गणेश जी, ये हमारे गणेश जी। तो चलो चलते हैं खाना बनाने। मैं पहले हम देखते हैं सबको। ये है मम्मी, हमारा भी खाना बन रहा है, और नाच हो गया। ये है रुचि दीदी। हेलो। ये है हमारे जीजू, ये हमारे, ये है भैया, ये है बुआ। बुआ बुआ हेलो करो। हेलो, ये दोनों। ओए शैतान, हेलो करो। हाय गाइस, हाय गाइस। अभी यूट्यूब में देखोगे हमने आपको? यूट्यूब में देखोगे? यूट्यूब में देखोगे? हाय गाइस। मम्मी आज क्या है? आज है गणपति विसर्जन। तू क्यों आई है यहाँ पे? विसर्जन करने आई है क्या? आरती दीदी तो आई नहीं यार, हम है आरती की जगह, इसलिए हम वीडियो बना के उसको भेजेंगे। चलो चलो, तो बता हम यहाँ पे क्यों आए? हम यहाँ पे आए किसके घर आए बता दें, और क्या किसके घर आए? और हम आए अपनी बुआ की लड़की के घर, जो हर साल विसर्जन के लिए गणपति जी को लेकर आती है। बड़ा आरती दीदी तो आई, बड़ा आरती दीदी आई नहीं, तो स्टेज पे हम अपना, और हम आगे थे कल, और हम कल आ गए थे, और फिर आज हम रुकेंगे, कल आराम से बन जाएंगे। तो बस हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे धीरे धीरे, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब हमारे साथ बने रहेंगे। फाइनली पापा आ गए हैं, ये देखो। दो मामा को
और मामा जी भी आ गए हैं, मतलब दीदी के पापा जो हैं वो भी आ रहे हैं। हेलो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं, हमारा फाइनल लुक, सबके सब रेडी हो गए हैं। और आंसर दे लेते गाइस, मैं नहीं करता, ये मैंने कल लिया था, ये मैंने देखा, ये काजल का है नीचे का, ये मेरा फाइनल लुक, ये मम्मी का फाइनल लुक है, ये हम तीनों माँ बेटी हैं, हमारा फाइनल लुक। सो कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रहा है सब। अभी मैं और को भी दिखाती हूँ, बुआ को भी दिखाओ, ये बुआ है, बुआ ने मेरे को शादी करनी है। और अभी ये पापा, ये बच्चे, ये भैया, भैया ने भी सब ने येलो पहन रखा है, हमें छोड़ के हम लोग ब्लू में। दीदी, ये दीदी है, सबका फाइनल लुक, जीजू हैंडसम लग रहे हो, जीजू, ये मामा जी, हेलो कर दो मामा जी, हेलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, आ गए आप पूजा दीदी, आप आइए इतना लेट, सबसे दीदी बेटा इसको देखो, शैतानी कर रहा है, दीपू पे आ गया, ये बेचारे सुबह से भूखे हैं, प्रसाद खा रहे आजल, इधर देखो क्या हो के थक गए ना सुबह से, सेब खा जाओ, सेब खा जाओ, हाय गाइस सेब खा जाओ। हम जा रहे हैं आरती करने के लिए गणपति जी की, क्योंकि अभी आरती का टाइम है, उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। क्या बोला यानी मुझे सिस्टर मोरिया।
प्रसाद बांट रहे सबको। आज मिल रही हूँ सबसे एंड में, क्योंकि आज का जो पूरा ब्लॉग था वो किया है आंचल और काजल ने शूट, मेरी दोनों प्यारी प्यारी सिस्टर ने। और क्योंकि जैसे कि उन लोगों ने वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया है कि वो लोग गणपति विसर्जन के लिए दीदी के घर पर गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या गए, सारा कुछ उन्होंने बता दिया है वीडियो में, तो मेरे को इतना ज़्यादा बोलने की अभी ज़रूरत है नहीं। सो गाइस, मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और वो लोग वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जाना तो मैंने भी था, लेकिन आप मेरी हालत देख सकते हो, इस हालत में मैं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना ही मैंने बाहर का कुछ खाना है, वहाँ पर कुछ खाना पीना है नहीं, और ना ही कोई श्रृंगार करके जाना है, तो फिर ऐसी जगह में अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे बन के जाओ फिर खाना भी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चक्कर में मेरा जाना नहीं हो पाया, ना मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और इसीलिए उन लोगों ने कहा कि दीदी कोई बात नहीं, हम ना ब्लॉग मतलब वीडियो शूट कर देंगे, तो तुम अपने चैनल पर वीडियो भी डाल देना ताकि उनकी भी मेमोरी रह जाए और मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी ये फील नहीं होगा कि मैं नहीं गई थी, मैं पूरा मतलब उनको देखकर ही यहीं से एंजॉय कर लूँ, है ना। तो गणपति जो भी वहाँ पर मेरा हो रहा है गणपति विसर्जन वगैरह, तो दीदी और हर साल करते हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम भी करेंगे तब जाएंगे और देखते हैं। और सो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे भी आप लोगों की शिकायतें आती हैं कि मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ ज़्यादा कुछ, वैसे भी हो नहीं पा रहा है, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा कुछ काफ़ी दिनों के बाद आज कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिला है आप लोगों को, थोड़ा सा फैमिली देखने को मिली है, तो अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग तो मेरे हिसाब से। बाकी टाइम तो मैं अकेली रहती हूँ तो इतना अच्छा शायद ना भी लगे, लेकिन आज का ब्लॉग तो मुझे लग रहा सबको ही अच्छा लगा होगा। और हाँ, आंचल और काजल ने कैसी ब्लॉगिंग करी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे लग रहा मेरे साथ अच्छी करी है उन लोगों ने फर्स्ट टाइम ही, मतलब मेरे साथ कभी कभी बोल तो लेते हैं, लेकिन खुद से उन्होंने फर्स्ट टाइम ही करी है, तो मैंने कहा दोनों के दोनों कर लेना, जिसका जब टाइम मिले ना दोनों शूट करके मेरे को वीडियो भेजते रहना। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।